किया जा रहा है। राजघाट पर राष्ट्राध्यक्षों का ये नमन, ये बेहद शक्तिशाली तस्वीर के तौर पर आप देखें, वो महात्मा गांधी जिन्होंने अंग्रेजों का दमन झेला लेकिन उसके आगे कभी नतमस्तक नहीं हुए, वो महात्मा गांधी जिन्होंने हर दुख हर हिंसा झेली लेकिन कभी अहिंसक नहीं हुए, कभी हिंसा का आधार उन्होंने अपने उस आंदोलन को नहीं माना बल्कि खादी आंदोलन के जरिए, स्वदेशी आंदोलन के जरिए अंग्रेजों के उपनिवेशवाद का बहिष्कार किया। आज पूरा विश्व भी उसी मुकाम पर खड़ा हुआ है जहाँ पर अहिंसा को त्याग देकर अहिंसा के पथ पर आगे बढ़ने का एक वैश्विक संदेश यहाँ से लेकर अपने अपने देशों की तरफ पहुँचेगा। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से बातचीत करते हुए आगे बढ़ते हुए जब फिर दोनों को आप देख सकते हैं, जो बाइडेन आपको नजर आ रही है, यूरोपियन यूनियन की ओर से जो प्रतिनिधित्व कर रही है उन्हें भी आप देख सकते हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली तस्वीर है अमित, मैं चाहती हूँ कि आप भी और विजयलक्ष्मी भी इस पर अपने भाव को जरूर दर्शकों के साथ साझा करें कि जब ये तस्वीर भारत से निकल के पूरे विश्व में जाएगी, एक ऐसा व्यक्ति जिसे वैसे तो सर्व मान्यता है, हर देश में बापू का बहुत सम्मान है, लेकिन जब सभी राष्ट्राध्यक्ष एक साथ आकर एक जगह पर खड़े होकर राजघाट पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं तो भारत की कैसी तस्वीर पूरे विश्व में जाती है, अहिंसा का वो आंदोलन कैसे पूरे देश के साथ साथ